बाद में हाजिर हूँ आपके साथ एबीपी टीवी लाइव के समाचार बुलेटिन में। आप सभी का इस समाचार बुलेटिन में एक बार फिर स्वागत है। चलिए आज की ताज़ा बड़ी तमाम खबरें क्या है उन पर डालते हैं सबसे पहले नजर। पुलिस अधीक्षक ने थाना रामकोट में ग्राम चौकीदारों के साथ की गोष्ठी। पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्र द्वारा थाना रामपुर पर पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार भी पहुंचे हुए। उनके द्वारा बाल मित्र थाना, महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय मालखाना, बंदी गृह, कंप्यूटर कार्यालय, थाना भोजनालय, निर्माणाधीन बेरक विवेचना कक्ष के साथ संपूर्ण थाना परिसर को चेक किया व थाना कार्यालय के अभिलेखों को चेक कर उनके बेहतर रखरखाव व उनके अधावधिक रखने, मालखाने को चेक कर उनमें दाखिल माल के निस्तारण व उचित रखरखाव के संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी चुनाव के दृष्टिगत थाने पर तैनात उपस्थित समस्त पुलिस कर्मियों व ग्राम चौकीदारों के साथ वार्ता यानी कि गोष्ठी की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम चौकीदारों के साथ वार्ता के दौरान उनके क्षेत्रों के गांव की समस्याओं, अपराधों, व्यक्तिगत समस्याओं के विषय में जानकारी लेते हुए विस्तृत चर्चा कर फीडबैक लिया गया। वो पुलिसिंग को और बेहतर के विषय में चर्चा की गई और महोदय द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों व चौकीदारों से उनके क्षेत्र में अपराध नियंत्रण निगरानी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश व चौकीदारों को निगरानी हेतु आवश्यक वस्तुएं कंबल, टॉर्च, जैकेट, साफा आदि सामग्री वितरित की गई। तदुपरांत महोदय द्वारा निर्माणाधीन चौकी नवीन चौक का निरीक्षण किया। संवाददाता संजीव कुमार की खास रिपोर्ट। आज थाना रामकोट परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जो हमारे ग्राम चौकीदार हैं उन सभी लोगों से वार्ता की गई। गाँव में जो उनके यहाँ अपराध हैं अथवा उनकी जो अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनकी जो सरकारी काम करने में उनको कोई समस्या आ रही, सभी बातों पर चर्चा की गई। साथ में थाना रामकोट का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर अनेकों नई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसके बारे में जो थाना प्रभारी हैं उनसे जानकारी ली गई और इसका थाने का निरीक्षण किया गया। साथ में क्षेत्र में चलने वाली अनेकों जो कार्रवाई हैं, आगे चुनाव की तैयारी है, उसके बारे में चर्चा।